राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने सूट वूट पहन लिया है, सूट ही पहना है, बूट नहीं पहना है। तो भाई मैंने आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ जयपुरी पहनूँ और उसके बाद में फिर मैं रील्स शूट करूँ। तो दो तीन पेयर मैंने निकाले हैं साड़ी सूट के कि ये पहन के आज मैं शूट करूँगी। तो वही बस मूड की बात होती है, ऐसी हुई मैं मस्त वाला, जो मेरा मन करता है वो मैं करती रहती हूँ। तो सोच तो ये रही थी कि हफ्ता 10 दिन लगातार जो भी शूट करूँगी वो सारा जयपुरी कलेक्शन अपना निकालूंगी, वो वेयर करूँगी और उसके बाद में फिर मैं शूट करूँगी। बट ऐसा होता नहीं है, जब मेरा जैसा मन होता वैसा ही कर लेती हूँ, कुछ भी पहन के शूट कर लेती हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हाँ, सच बताऊँ तो मुझे जयपुरी कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास है भी। तो जब मेरा मन करता है तो मैं पहनना शुरू कर देती हूँ, जब मेरा मन करता है कि मैं बोर हो गई है मैं उसको फिर उठा के रख देती हूँ। ऐसे ही है बस मेरा मन भैया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है और मैं बता भी दे रही हूँ, बार बार बता ही देती हूँ मैं आप लोगों को, मैं थोड़ी मस्त मौला टाइप की हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं ना, मेरे नेचर को जानते हैं, वो तो अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैं थोड़ी सी चौली नेचर की बनती हूँ और हंसती मुस्कुराती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ सामने वाला भी खुश रहे सब। तो ये हैं आज के दर्शन लड्डू सरकार के। लाला आप बैठे हुए हैं आराम से, सुंदर तो बहुत दिख रहे हैं हमेशा की तरह, बट लाला आज नाराज हैं। इनके स्वभाव का एकदम से पता लग जाता है कब ये खुश होते हैं, कब ये कुछ चमत्कार करने वाले हैं, कब ये क्रोधित हैं, इनका सब पता लग जाता है। आप लोग खुद देख लो, आंखें आज इतना निकाल रहे हैं और फेस के एक्सप्रेशन आप देख लो, ऐसे बिल्कुल बता रखा है, जाहिर कर रखा है कि हाँ मैं नाराज बैठा हुआ हूँ आज। जो लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं दिलो जान से, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ सच में लाला अपने फेस के द्वारा आपको सारी बातें बता देते हैं कि कब वो खुश हैं, कब नाराज हैं, कब कोई एक अच्छा सा चमत्कार करने वाले हैं लाइफ में। भाई मेरे साथ तो यही होता है, लाला मुझको पहले ही सारी चीज़ें बता देता है कि अच्छा क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है, कब गुस्सा है ये, कब बहुत खुश है ये। तो मैं लाला को मनाने में लगी हुई थी और भाई उनको खूब अच्छे से रिझाने में लगी हुई थी कि भैया मैया आपकी सारी बातें पूरी करेगी, आप खुश हो जाओ। उतने में परिवर्तन के स्कूल से लाने का टाइम हो गया और मैं चली गई नीचे, पहले ले आती हूँ बच्चों को, उसके बाद में फिर लाला से बात करूँगी दोबारा कि भाई लाला परेशानी क्या है, क्यों नाराज हो। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो लाला के नाराज़गी का जो कारण है वो ये है कि विनोद आज लाला को स्नान करा के नहीं गए हैं और लाला को स्नान की जो आदत है वो विनोद के हाथों से ही है। बच्चों को लंच कराने के बाद में थोड़ी देर के बाद में वरदान तो सो गया और परी अभी जगी हुई है और मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब नीचे इन द सेंस के नीचे पार्किंग में जा रही हूँ क्योंकि विभो दीदी और जीजाजी आ चुके हैं और उन्हें आज ना डॉक्टर को दिखाना है, अपॉइंटमेंट थी जीजाजी की। तो दीदी इस बार कह रही थी कि तू भी चलना इस बार, तो चलो मैं भी चलती हूँ अभी दिखाने के लिए। तो बच्चे घर में है ही, मैं आ जाएंगे हम लोग 1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो सब अभी नीचे चलते हैं, नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ इस टिफिन में ना बिब्बो दीदी के लिए क्या डाला, चने और आलू की जो मैंने सब्जी बनाई थी ना दोपहर में लंच में, वो सब्जी इसमें डाल दी है ताकि बहुत यमी सी सब्ज़ी है, तो फिर चुलबुल और छोटी की वजह से डाली है मैंने। चलो लेके चलते हैं नीचे, पहले जल्दी से लिफ्ट को रोक लेते हैं, नहीं तो ऊपर। डॉक्टर के यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट थी ना वो थी ये शाम की 6:30 की, लेकिन हम लोग लेट हो गए और अभी जो टाइम हो रहा है वो हमें यहीं पे 6:30 बज चुके हैं। तो अभी वहाँ पहुँचने में भी हमें आधा पौना घंटा लग ही जाएगा आई थिंक। तो चलो जब देर तो हो ही रही है तो भाई पहले पीठ पूजा करते हुए भी चले। तो ये जो छलनी होती है ना, जो भुट्टा होता है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कहीं भी जा रहे होते हैं तो जो रेत वाला भुट्टा होता है ना, इसको हम लोग ज़रूर इंजॉय करते हैं, हम लोग इसको ज़रूर खाते हैं और जीजा जी तो 3-3 भुट्टे एक साथ खा जाते हैं। हम इतना नहीं, पर हाँ एक या डेढ़ तो मैं भी खा लेती हूँ। बट हम लोगों ने अभी क्या है यहाँ पे
भुट्टे बहुत बड़े साइज़ वाले थे, तो मैं दीदी से ये कह रही थी मैं इतना बड़ा आज नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ। तो हम दोनों ने क्या किया कि एक भुट्टा लिया और उसमें से हाफ 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 कर लिया। फिर भी पप्पो दीदी ने मुझे ही ज़्यादा दे दिया कि तू खा ले। मैंने कहा मेरा ही सारा वजन क्यों बढ़ा रही हो, थोड़ा सा वजन अपना भी बढ़ा लो। तो ऐसे ही हंसते बात करते हुए भाई हम लोगों का सफ़र जारी है डॉक्टर के यहाँ पर जाने के लिए। न्यूरोसर्जन का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का, जैसे कि पता ही है आप लोगों को कि लास्ट ईयर जब जीजा जी की तबीयत ख़राब हुई थी, जब वो पैरालाइज्ड हुए थे, तो इन्हीं न्यूरोसर्जन का ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। अल्टीमेटली हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ पे भाई, पूरा एक घंटे से भी ज़्यादा हमें लग गया यहाँ पहुँचने में। तो अभी पहले मतलब नंबर भी निकल चुका है, पता नहीं कितना टाइम और ज़्यादा लग जाएगा डॉक्टर को दिखाने में, अभी कुछ पता नहीं। हम ऑलरेडी एक घंटे से सवा घंटा लेट है ना, लेट 6:30 का नंबर। डॉक्टर की डांट खाना पड़ जाए कि आप लोग लेट लगी हो, चलो देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं क्लिनिक में, और क्लिनिक जो है डॉक्टर का वो रेजिडेंस पे ही है। तो हम लोग ना हॉस्पिटल में दिखाने नहीं जाते हैं, तो क्लिनिक पे ही आते हैं यहाँ। हालांकि बहुत ही मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल पाती है, तो हमको भी नेक्स्ट मंथ की अपॉइंटमेंट मिल रही थी बट इमरजेंसी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने अभी दिखा लिया क्योंकि जीजाजी को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। तो कोई बात नहीं, देखो होता क्या है ना, कुछ तो डिसिप्लिन भी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो अगर मेरे सामने वाला इंसान अगर कोई किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा क्रोध उस बात पे आता है। तो अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में भी ध्यान रखना चाहिए, और बीमार होने के तो बाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो कि जीजाजी नहीं करते हैं। और थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं वो, तो उसकी वजह से फिर दीदी भी कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, और जब वो टेंशन में हो जाती है तो हम लोग भी बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और हम डॉक्टर के यहाँ से आ गए वापस, बहुत देर हो गई। पिपो दीदी और जीजाजी चले गए हैं ऊपर, और मुझे विनोद मिल गए यहीं पे, मैंने फ़ोन कर दिया था इन्हें। तो फिर परिवरदान का कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था हमें नीचे से, वो ले लिया है हमने, और उसके बाद में अब हम जा रहे हैं घर बच्चों के पास में। अभी तो जाके मुझे खाना बनाना